नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लीजिए, अब कोतवाल चोर हो गया है और कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको पूरी कहानी। लालू के जो फैंस फॉलोइंग है वो भी ऐसे ही नहीं है, उनके साथ कुछ ना कुछ किस्से ही ऐसे घटते रहते हैं, क्योंकि उनके कारनामे भी वैसे ही हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात जवान वापस जाते जाते रिम्स से मिले गद्दे, तकिया और दूसरे सामान अपने साथ ले गए। पुलिस के लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जवानों को तलब किया। यही नहीं, उन्होंने उनको एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया और उन्होंने एक लेटर भी उनको दिया और कहा कि रिम्स का सामान उन्होंने वापस क्यों नहीं किया है। उनके सामान वापस नहीं करने से रिम्स प्रबंधन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इससे पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है। और उन्हें ये भी कहा कि 24 घंटे के अंदर वो अपना पूरा सामान जो वहां से चोरी से लेकर के आए थे उसको वहां जमा कराएं और ये भी बताएं कि उन्होंने सामान वहां से क्यों लिया और अब तक क्यों नहीं वापस किया, और उनके खिलाफ अगर उन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब रिम्स के केली बंगले में रह करके अपना इलाज करवा रहे थे, उस समय लालू की सुरक्षा में रांची पुलिस के 10 पुलिसकर्मी वहां पे तैनात थे, उनके साथ थे। रिम्स प्रबंधन की तरफ से सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए गद्दा और तकिया वगैरह उपलब्ध करवाया गया। इसी बीच बिहार के एक विधायक को फोन करने के मामले को लेकर के विवाद के बाद लालू को दोबारा से पिंक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। केली बंगला खाली होने के बाद लालू की सुरक्षा में तैनात जवान भी वहां से हटा दिया गया, लेकिन जवान जो थे वो जाते जाते बंगले से गद्दा और तकिया ले गए। देखिए, इससे बुरी कोई और बात नहीं हो सकती। मामले की जानकारी मिलने के बाद रिम्स प्रबंधन ने जवानों से कई बार तकिया और गद्दा वापस करने की बात की, लेकिन उन्होंने उसे लौटाया नहीं। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने एसएसपी को इस बारे में जानकारी दी, उन्हें पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे पुलिस ने ये किया है। और मैं आपको बता दूं कि रिम्स क्या है। रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है जहाँ पर अक्सर लालू अपना इलाज के लिए जाते हैं और अक्सर चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की वहाँ पे जब तबीयत खराब होती है तो उनको वहाँ ले जाया जाता है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके मेरे चैनल पे ज़रूर बताइए। और आप ये भी बताइएगा कि आपको ये लालू से जुड़ी हुई वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको जो भी इंटरेस्टिंग खबरें होंगी आपको देती रहूंगी और आप अपनी टिप्पणी मुझे ज़रूर देते रहिए। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।